Welcome to FK Superb Classes. This is the third lecture. In the first lecture, I have discussed what are greenhouse gases, what is greenhouse effect, and why greenhouse effect is important to life on Earth. The link of this first lecture is given in description box. Please go through the link. In the second lecture, I have explained greenhouse effect and global warming, and also discussed some effects of global warming. The link of the second lecture is also given in description box. Please go through the link. In the third lecture, I will discuss causes of global warming. I have distinguished man-made causes and natural causes. Man-made causes means we are responsible for this global warming, so we can check and minimize these causes of global warming, and also discuss in detail the natural causes of global warming. In this lecture, also discuss effects of global warming, and I will conclude this lecture, this topic, with how can we control global warming. What are man-made causes of global warming? Deforestation. हम जो है पेड़ पौधे को काट रहे हैं. Ants are the main source of oxygen. They take in carbon dioxide and release oxygen, thereby maintaining environmental balance. प्लांट जो है ना वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है. प्लांट को कट करके हम सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, देयर बाय मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस. फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लीटेड फॉर मेनी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस. This has led to the environmental imbalance, thereby giving rise to global warming. Plant को आप कट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो एटमोसफेयर में बढ़ रहा है. हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है विच एड अप ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट इज यूज ऑफ व्हीकल्स. हम छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी व्हीकल्स, गाड़ी बाइक का इस्तेमाल करते हैं. ये व्हीकल से भी पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. द यूज ऑफ व्हीकल्स इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रिजल्ट इन वेरियस गैसियस इमिशन. व्हीकल्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स विच इमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन्स इन टू द एटमोसफेयर रिजल्टिंग इन अ टेम्परेचर इंक्रीज. नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन. आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है. विद द एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स ह्यूमन हैव बीन एडिंग CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन टू द एनवायरमेंट विच अफेक्ट्स द एटमोस्फेरिक ओजोन लेयर. द ओजोन लेयर protect the earth's surface from the harmful ultraviolet rays emitted by the sun. जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन जो है हमें बचाता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो सन से निकलती है. द CFCs हैव लेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन मेकिंग वे फॉर द अल्ट्रावायलेट रेज देयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अल्ट्रावायलेट रेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ स्किन डिजीज को भी बढ़ा रहे हैं. स्किन कैंसर, स्किन के डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ही हो रहे हैं. सो वी मस्ट चेक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन आवर यूज. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली. The harmful emission from the factories add to the increasing temperature of the earth. Industrial development भी हमारे earth के surface temperature को बढ़ा रहा है. वहाँ से जो harmful emissions आ रहे हैं factories से, वो भी temperature को बढ़ा रहे हैं.
agriculture, various farming activities produce carbon dioxide and methane gas. These add to the greenhouse gases in the atmosphere and increase the temperature of the earth. जो residue of the crop होते हैं उसको हम burn करते हैं, जिससे temperature of the environment जो है ना वो बढ़ रहा है. तो हमें जो residues हैं agriculture के उसको burn नहीं करना है. Over population. An increase in population means more people breathing. This led to an increase in the level of carbon dioxide, the primary gas causing global warming in the atmosphere. आदमी के नंबर ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो वो ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करेगा. तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी गैस है कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द एटमॉस्फेयर. सो वी चेक पॉपुलेशन एज वेल. सो दीज आर द मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Now, natural causes of global warming. Volcanoes, Jwala. Volcanoes are one of the largest natural contributors to the global warming. The ash and smoke emitted during the volcanic eruption goes out into the atmosphere and affects the climate. Water vapor. वाटर वेपर इज अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस. वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है. ड्यू टू द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड स्टेज इन द एटमोसफेयर एडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड स्टेज इन द एटमोसफेयर, और वो वाटर वेपर जाकर के एटमोसफेयर में स्टे करेगा. और वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, सो इट ऐड टू द ग्लोबल वार्मिंग. मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट इज फ्रोजन सॉइल दैट हैज एनवायरमेंटल गैसेस ट्रैप्ड इन इट फॉर सेवरल ईयर एंड इज प्रेजेंट बिलो अर्थ सरफेस. परमाफ्रॉस्ट क्या है? एक फ्रोजन सॉइल है जहां पे एनवायरमेंटल गैसेस ट्रैप्ड हैं. सालों साल से environmental gases उसके अंदर trapped है and is present below the earth's surface. It is present in glaciers. ये कहाँ present है? Glaciers में. As the permafrost melt, जैसे ही permafrost melt करेगा तो क्या होगा? It releases the gases back to the atmosphere. जो भी इसके अंदर gas है, जो सालों साल से इसके अंदर trap है, वो क्या होगा? बाहर आएगा. बाहर आएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा. एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये गैसेस भी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे. दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. फॉरेस्ट ब्लेजेस, जंगलों में आग का लगना. फॉरेस्ट ब्लेजेस और फॉरेस्ट फायर्स एमिट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग स्मोक. These gases are released into the atmosphere and increase the earth's temperature, resulting in global warming. Volcanoes, water vapor, melting permafrost, forest blazes are the natural cause of global warming. अभी आपने देखा जो causes of global warming थे उसको हमने discuss किया. Man-made causes को discuss किया, natural causes को discuss किया. Now effects of global warming को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. राइज इन टेम्परेचर, पहला इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का? टेम्परेचर बढ़ेगा. ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू एन इनक्रेडिबल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर. सिंस 1880 द अर्थ टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री. दिस हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स व्हिच हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द सी लेवल. दिस कुड हैव डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन कोस्टल रीजन. 1 डिग्री टेम्परेचर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ गया है सिंस 1880. दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो उससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएंगे. जो लैंड के लो लाइंग एरिया है वहां पे सी के पानी आ जाएंगे. दिस कुड हैव डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन कोस्टल रीजन. थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम. ग्लोबल वार्मिंग इकोसिस्टम के लिए भी खतरा है.
Global warming has affected the coral reefs that can lead to the loss of plant and animal lives. Coral reefs kya hai? Jisko affect kar raha hai global warming? A coral reef is an underwater ecosystem characterized by reef building corals. Reefs are formed of colonies of coral polyps held together by calcium carbonate. Most coral reefs are built from stony corals whose polyps cluster in groups. हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है. जो पीएच वैल्यू, जो एसिडिक वैल्यू है ना ओशियन का, वो 8.15 से अराउंड 8.1 हो गया है. अगर 1980 की बात करें तो उस वक्त जो ओशियन का पीएच वैल्यू था वो 8.15 था और आज के डेट में 8.1 हो गया है. तो जो एसिडिक वैल्यू है ना वो बढ़ गया है. तो ओशियन एसिडिफिकेशन होने की वजह से जो 8.15 के एनवायरनमेंट में रहने वाले माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए खतरा हो गया है. कोरल लीफ्स प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर लाइफ अंडर वाटर, प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ वेव्स हिटिंग द कोस्ट. कोरल लीफ जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है फॉर लाइफ अंडर वाटर. पानी के अंदर जो जिंदगी है ना उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है. और साथ में ये कोस्टल एरियाज को भी प्रोटेक्ट करता है. कैसे? बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ वेव्स हिटिंग द कोस्ट. जो समुंदर की लहरें आ रही हैं उनकी जो गति है ना उनको कम करके, ताकि उसका इफेक्ट कोस्ट पे ज्यादा ना आए. कोरल लीफ टीम्स विथ डाइवर्स लाइफ. कोरल लीफ में जो है ना बहुत सी जिंदगियां होती है. थाउजेंड ऑफ स्पेसीज कैन बी फाउंड लिविंग ऑन वन रूफ. सो इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द कोरल रीफ दैट कैन लेड टू द लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज मेड द फ्रेजिलिटी ऑफ कोरल रीफ्स इवन वर्स. क्लाइमेट चेंज. Global warming has led to a change in climatic condition. There are droughts at some places and floods at some. India में बात कीजिए, दिल्ली में बाढ़ आ रहा है, बिहार यूपी में drought है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पीने के पानी की कमी हो गई है, water table नीचे चला गया है. This climatic imbalance is the result of global warming. A spread of diseases. ये डिजीज के स्प्रेड का भी कारण है. ग्लोबल वार्मिंग लेड्स टू अ चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी. दिस हैज लेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉस्किटोज दैट कैरी एंड स्प्रेड डिजीजेस. हाई मोर्टलिटी रेट्स. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में डेथ रेट भी ज्यादा है. ड्यू टू एन इंक्रीज इन फ्लड्स, सुनामीज एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज द एवरेज डेथ टॉल यूजुअली इंक्रीजेस. फ्लड की वजह से, सुनामी की वजह से, दूसरे नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से जो एवरेज डेथ है ना वो इंक्रीज कर गया है. ऑल्सो सच इवेंट कैन ब्रिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज डेट कैन हैम्पर ह्यूमन लाइफ. और इस तरह की चीज़ें, बाढ़ का आना और उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं उनसे भी जिंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है. तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. अ ग्लोबल शिफ्ट इन द क्लाइमेट लेड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट एंड एनिमल्स. इन दिस केस द एनिमल नीड टू माइग्रेट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड मेनी ऑफ देम इवन बिकम एक्सटिंक्ट. This is yet another major impact of global warming on biodiversity. These are the effects of global warming we have discussed in detail. How can we control global warming? कैसे हम global warming को control कर सकते हैं, check कर सकते हैं? The release of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere is the major cause of global warming. कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना वो मेजर कॉज हैं ग्लोबल वार्मिंग के. इट कैन बी रिड्यूस्ड
बाई सेटिंग हाई प्राइस ऑफ कार्बन, कार्बन के प्राइस को हाई सेट करना होगा। इंक्रीज द बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनसे बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, बायोफ्यूल्स को यूज करनी है। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है, जैसे सोलर और विंड पावर हो गए, जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो एनर्जी आ रहा है उनको कम यूज करना है, उनके यूज को मिनिमाइज करनी है। और यूज किनका ज्यादा करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को, जो रिन्यूएबल सोर्स से जो एनर्जी मिल रहा है उनको यूज करना है, लाइक सोलर एंड विंड पावर। सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना है, जंगलों को बचाना है, जंगलों में रहने वाले एनिमल्स और स्पेसीज को बचाना है, ताकि जो नेचर का बैलेंस है वो मेंटेन रहे। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करनी है। इम्प्रूविंग व्हीकल फ्यूल इकोनॉमी, जो व्हीकल फ्यूल है उसकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करनी है। व्हीकल को बहुत ज़रूरी हो तो यूज़ करनी है, छोटे डिस्टेंस के लिए वॉकिंग कीजिए, इससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा और इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। कार पूलिंग कीजिए, पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, लाइक मेट्रोज, रेल्स, बसेस। सो दीज आर द कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।